श्रावण का तीसरा सोमवार होने से विशेष महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे श्रावण का समापन की ओर है, वैसे वैसे भक्तों में भी भक्ति का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। आज तीसरा सोमवार है, विशेष तौर पे भगवान का स्नान ध्यान वगैरह सभी जो परंपरा अनुसार होते हैं उन सभी वस्तुओं से भगवान का स्नान करा के भगवान को भांग से श्रृंगारित करके और उसमें नाना प्रकार के जो भी आभूषण हमारे पास होते हैं वो भगवान को लगाए गए और उसका दिव्य श्रृंगार का दर्शन भक्तों ने किया। आज की जो आरती है महाआरती, जिसे कि हम भस्म आरती के नाम से जानते हैं, ये मंगला आरती है। मंगला आरती को इसलिए कि भस्म स्नान कराते हैं इसलिए इसको भस्म आरती इसका नाम पड़ा है। इसलिए आज महाकाल की जो भस्म आरती संपन्न हुई बड़ी दिव्यता से, भक्तों ने आपके माध्यम से या यहाँ परिसर में उपस्थित होकर जिन्होंने दर्शन किया उसका उसका पुण्य प्राप्त उनको भगवान महाकाल दें और भक्त जो है शिव के प्रति पूर्ण उत्साह से पूरे भारत के अंदर शिव पूजा में लगे। श्रावण महीना भगवान शिव का मास माना जाता है और इसलिए इस महीने के अंदर जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, क्योंकि बिलपत्र जल वगैरह आदि इत्यादि जो चढ़ाए जाते हैं उसको कई कई गुना यज्ञ के समान उसका फल प्राप्त होता है। कारण एक और भी है कि जितने व्रत और उपास हुए हैं वो माता सती और माता पार्वती ने किए हैं और वो श्रावण मास में ही किए गए थे और उनका जो फल प्राप्त जो उन माताओं उनको हुआ था सती को और पार्वती को, इस कारण से इस महीने में शिव भक्त विशेष दर्शन पूजा अर्चन करते हैं, इसीलिए उनको पुण्य की प्राप्ति अखंड रूप से होती है।